चाकूचा धाक दाखवून वाट सरूंना लुटणाऱ्या टोळीनं दोघांवर चाकू हल्ला केलाय. रात्री 1 ते 4 दरम्यान या घटना घडल्या असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. कारवाई दरम्यान पोलीस निरीक्षक सावंत यांच्या हातालाही इजा झाली आहे. शेख शकील, शेख शाहरुख आणि शोएब सलीम या तरुणांनी काल रात्री दोघांवर चाकूने हल्ला केला. या हल्ल्यातील बालाजी वैद्य यांची प्रकृती स्थिर आहे, तर दिनेश लोढिया यांची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे. तिघांनी रात्री कर्णपुरा येथे वैद्य यांना अडवलं आणि पैशाची मागणी केली. त्यांनी प्रतिकार केला असता त्यांच्या पायावर पाठीवर चाकूनं वार केले. रात्री 2 सुमारास ही घटना घडली. त्यानंतर तिसगाव फाट्याजवळ दिनेश लोढिया यांच्यावर अशाच प्रकारचा त्यांनी हल्ला केला. त्यांच्या पोटात गंभीर दुखापत झाली असून मृत्यूशी त्यांची झुंज सुरू आहे. या दोन्ही घटनेत आरोपींनी 34,000 रुपयांचा मुद्देमाल लुटलाय. त्यांच्याकडून तो जप्तही करण्यात आलाय. मात्र यावेळी पोलीस निरीक्षक सावंत यांच्या हाताला दुखापत झाली. या धाडसी कारवाई बाबत आज आयुक्त यशस्वी यादव यांनी 50,000 रुपयांचं बक्षीस देऊन पोलीस अधिकाऱ्यांचं कौतुक केलं आहे. आरोपी जिसका नाम है शेख शकील शेख, नंबर 2 शेख शाहरुख शेख और नंबर 3 शोएब सलीम कुरैशी, ये सब 20 और 21 वर्ष के बीच के लड़के हैं जो कि क्राइम की तरफ जिनका झुकाव हो गया है. इसके पहले भी इनके ऊपर पिक पॉकेटिंग, रॉबरी, चोरी, इस तरह के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं. इन लोगों ने चाकू मारकर 2 इंसान को जख्मी किया और उनके पास से उनकी गाड़ियां, मोबाइल और वेरिएबल्स लूट लिए, जिसमें पहला इंसान था बालाजी वैद्य, जिसके ऊपर 3 से भी ज़्यादा स्टैब के निशान हैं, जिसमें उनके पाय पर, पीठ पर और कमर के पास इन्होंने चाकू मारी, जिससे वो गंभीर जख्मी हो गए और उनसे 500 रुपये रोक, 1 मोटरसाइकिल वगैरह ले लूट ली, जो कि अभी एडमिटेड है, उसके पेट पे चाकू मारी और उसके पास से भी काफ़ी सामान, जिसमें 17,000 रुपए कीमत का सैमसंग मोबाइल, बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल और चांदी का ब्रेसलेट, चांदी की अंगूठी, 1,500 रुपए रोक. इस तरह से कुल मिलाकर 2 घटनाओं में इन्होंने लगभग 34,000 रुपए का मुद्देमाल छीन लिया, लूट लिया. लेकिन मुद्देमाल की कीमत से ज़्यादा इन्होंने 2 सामान्य नागरिकों को जख्मी कर दिया इतनी गंभीर रूप से कि वो अभी भी एडमिटेड है, जिनमें से एक है दिनेश लोढिया और वो सीरियस है अभी.